हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट रेन्स तो भाई आज क्या होगा क्लास सेवन मैथ्स डेटा हेल्डिंग चैप्टर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट करते हैं क्लास स्टूडेंट्स आई एम सालिग्योर मैथ्स एजुकेटर और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए चैप्टर ओवरव्यू मतलब डेटा हेल्डिंग जो चैप्टर है क्लास सेवन मैथ्स का इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल राइट तो स्टार्ट करते हैं भाई ऐसी क्लास क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट अब अकेला इकौलौता प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन यहां पर आपको किन्टर से लेकर ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के सभी, सभी सब्जेक्ट कोर्सेस सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चल वीडियोज एनसीईआर टी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन शॉर्ट रिविजन क्विक रिविजन और आपको मिलते हैं बॉस इन सबके साथ साथ लाइव सेशन बिल्कुल फ्री में जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री और ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट पर हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब के चैनल पर नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्लिक करिए और पहुंच जाइए वो वेबसाइट पर जल्दी से चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास क्लास सेवन मैथ्स डेटा हैंडलिंग चैप्टर ओवरव्यू आज हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं और ब्रीफ करेंगे हर टॉपिक को साथ ही साथ मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होने वाली है कितनी एक्सरसाइज होने वाली है कैसे कैसे वीडियोज आएंगी कैसे कैसे आगे हम जर्नी को स्टार्ट करेंगे आगे हम जर्नी किस किस तरह से देखने को मिलेगी स्टार्ट करते हैं भाई क्लास तो देखिए भाई चैप्टर ओवरव्यू यह है भाई पहली वीडियो यह है आपकी वीडियो वन ऑल वीडियो वन ओके स्टूडेंट्स टॉपिक्स टू बी कवर्ड तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेटा हैंडलिंग भाई डेटा हैंडलिंग होता क्या है कोई आपसे पूछे व्हाट इज डेटा हैंडलिंग तो आप क्या कहेंगे क्या होता है डेटा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग डेटा क्या होता है डेटा हैंडलिंग क्या होता है और डेटा हैंडलिंग के टाइप्स फॉर्म्स क्या होती हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होता है रेंज ऑफ डेटा क्या होता है रेंज ऑफ डेटा के बाद हम देखेंगे भाई मीन क्या होता है मीन क्या होता है मीडियम क्या होता है मोड बारग्राफ एंड डबल बारग्राफ जी हाँ स्टूडेंट्स ये है क्लास सेवन्थ के टॉपिक्स क्लास सेवन्थ में सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे डेटा हैंडलिंग क्या होता है रेंज ऑफ डेटा ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे तो भाई शुरू करते हैं एक एक करके वॉट इज डेटा हैंडलिंग तो वॉट इज डेटा से पहले आपको पता होना चाहिए डेटा डेटा क्या होता है आपको ये बात पता होनी चाहिए वॉट इज डेटा स्टूडेंट्स अगर आपको पता है डेटा तो मुझे बताइए आपको अगर नहीं भी पता तो ये वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा क्लास सिक्स में सुना होगा फिफ्थ में भी सुना होगा आई गेस और भी बहुत सारी बातों बहुत सारी जगह बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी कंप्यूटर की दुनिया में जरूर देखा होगा स्टूडेंट्स जी हाँ आई सेक्शन में देखा होगा जरूर डेटा क्या होता है राइट डेटा डेटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपने देखा मेरे आपने सुना होगा जरूर मेरे फ़ोन से डेटा उड़ गया मेरे फ़ोन का डेटा गायब हो गया डेटा मतलब मेरे फोन का डेटा डिलीट हो गया सुना होगा जरूर ये वर्ड मेरी हार्ड ड्राइव का डेटा क्रैश हो गया जरूर सुने होंगे ये वर्ड्स डेटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बात समझ में आ रही है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बात समझ में आई वॉट इज डेटा डेटा होता है बॉस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा आई होप आपको यह बात समझ में आ गई है ठीक है बॉस अब देखिए भाई डेटा समझ में आया अब हैंडलिंग क्या है भाई डेटा को किस तरह से आप हैंडल कर रहे हो द वे द वे इन विच the way in which you handle data you handle data handle ka matlab kis tarah se aap represent kar rahe ho data ko kis tarah se aap data ko represent kar rahe ho kis tarah se aap data ko represent kar rahe ho is called data handling correct Data समझ में आया information. अब देखो दो तरह के data होते हैं एक होता primary, प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी एक होता है प्राइमरी डेटा मैथ्स की मैं में बात करूं स्टेटिस्टिक्स की स्टेटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं स्टेटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद डेटा स्टेटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथ्स की जो डेटा से डील करती है इसकी मैं बात करूं अगर तो दो तरह का डेटा होता है एक प्राइमरी एक सेकेंडरी एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी प्राइमरी डेटा जो डेटा आप खुद ढूंढ के लाए जो डेटा आप खुद ढूंढ के लाए वो प्राइमरी डेटा और जो किसी और ने लाके आपको दिया वो सेकेंडरी डेटा तो बात करते हैं भाई डेटा के बारे में अभी थोड़ा रुक के हैंडलिंग के बारे में टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में थोड़ा रुक के बात करते हैं पहले मैं आपको डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है भाई डेटा चलिए डेटा इन्फॉमेशन है आप कैसे कैसे होगा किस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किस तरह का कलेक्शन देखिए मैं आपको समझाता हूँ आपका ही एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया सा आपसे मैंने कहा मैगनी ब्रेन प्रोवाइड करता है Uh, के जी से लेकर ट्वेल्थ तक सभी क्लासेज के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट और वो मिलेंगे आपको प्ले लिस्ट में आपने यूट्यूब ओपन किया लिखा मैगनेट ब्रीनस वहाँ पर आपको चैनल मिला मैगनेट ब्रीन्स यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में गए यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में गए प्ले लिस्ट में, गए, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारी प्ले लिस्ट दिखी क्या है डेटा है कलेक्शन ऑफ वीडियोज़ वीडियोज में क्या मिल रही है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड वीडियोज़ इज कॉल्ड डेटा अब आपने पर्टिकुलर क्लास सेवन मैथ्स बाई सालिक सर आपने देखा क्लास सेवन मैथ्स सालिक सर कंप्लीट सिलेबस आपने ओपन किया सारी वीडियोस लाइन से 150 वीडियोस 130 के करीब वीडियोस आपको लाइन से मिल गई जी हाँ 150 वीडियोस कंप्लीट सिलेबस में 150 वीडियोस आपको लाइन से मिल गई कलेक्शन ऑफ़ वीडियोस कलेक्शन ऑफ़ इन्फॉर्मेशन वीडियो में क्या है इन्फॉर्मेशन क्या हुआ डेटा आप स्कूल गए स्कूल जाने के बाद अटेंडेंस हुई फर्स्ट पीरियड में ही आपके क्लास टीचर ने आपकी अटेंडेंस ली रोल नंबर वाइज या नेम वाइज उसके पास एक रजिस्टर है जहां पर वो लिख रहा है टीचर आपका पी ए पी ए कौन प्रेजेंट कौन एबसेंट डेटा इंफॉर्मेशन ठीक आपने एग्जाम दिया एग्जाम में आपको मिला क्या क्वेश्चन पेपर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन डेटा आपने एग्जाम दिया आपने नोटबुक में लिखा आपके मार्क्स आ गए मार्क्स में आपको रिपोर्ट कार्ड मिला रिपोर्ट कार्ड मिला रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स लिखे हुए हैं आपका डेटा है पी ए वन में कितने मार्क्स है पी ए टू में कितने मार्क्स है एस ए वन में कितने मार्क्स है एस ए टू में कितने मार्क्स है ओरल में कितने हैं एक्स्ट्रा कैलिकर एक्टिविटीज़ में बच्चा कैसा है सारी बातें वहां पर लिखी गई वो क्या है डेटा डेटा हम डेटा से घिरे हुए हैं हम डेटा से घिरे हुए हैं मेरे सामने ये पीसी रखा है डेटा है यहाँ पर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ यहाँ यहाँ पर देखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं डेटा है कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन इज कॉल्ड डेटा डेटा में समझ में आया डेटा अब डेटा को आप हैंडल किस तरह से करे हुए करोगे उसको कहेंगे डेटा हैंडलिंग अब यहां पर बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं डेटा हैंडलिंग के स्टूडेंट्स डेटा को हैंडल करने की फॉर्म्स हैं टेबुलर फॉर्म देखा होगा हमें टेबल बनी हुई राइट फॉर्म्स ऑफ डेटा हैंडलिंग ये भी देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ डेटा हैंडलिंग फॉर्म्स ऑफ डेटा हैंडलिंग राइट फॉर्म्स ऑफ डेटा हैंडलिंग फॉर्म्स जी हाँ स्टूडेंट्स फॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म्स कौन सी फॉर्म प्यारे बच्चों डेटा हैंडलिंग की फॉर्म पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है पिक्चर की फॉर्म में जी हाँ स्टूडेंट्स वहां पर एक सिंबल कुछ डिनोट करता है एक एक बुक है सपोज एक बुक का मतलब फाइव स्टूडेंट्स तो एक बुक का मतलब फाइव स्टूडेंट्स है तो वहाँ पर लिख देंगे वन बुक इक्वल टू फाइव स्टूडेंट्स और टेन स्टूडेंट्स मतलब दो बुक ट्वेंटी स्टूडेंट्स मतलब फोर बुक सेवेंटी फाइव स्टूडेंट्स मतलब आ, कितनी बुक्स भाई एक बुक्स का मतलब फाइव है तो कितनी आ गई भाई टेन और फाइव फिफ्टी फिफ्टीन बुक्स बात समझ में आ रही है पिक्चर्स पिक्चर्स कुछ भी हो सकती है पिक्चर कुछ भी हो सकती है पिक्टोग्राफ अगर आपको पढ़ना है तो भाई क्लास सेवन्थ के अंदर तो डिटेल में नहीं है लेकिन क्लास एट में पिक्टोग्राफ मैंने पढ़ाया हुआ है वीडियो आपको मिल जाएगी वीडियो का नाम है पिक्टो पिक्टोग्राफ जी हाँ आपको मेरा फोटो लगा हुआ दिखेगा आराम से आप देख सकते हैं पिक्टोग्राफ समझ में आया पिक्टोग्राफ पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को पिक्चर्स की हेल्प से ठीक पिक्चर कुछ भी हो सकती है कोई भी सिंबल कोई भी इमेज जैसे कि फुटबॉल एक फुटबॉल का मतलब टू स्टूडेंट्स टेन फुटबॉल अगर लिखी रख दी हमने इसका मतलब समझ में आ रहा है टेन फुटबॉल का मतलब ऑस ट्वेंटी स्टूडेंट्स पिक्चर्स को देख के डेटा एकदम से हम डाइजेस्ट uh, कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पिक्चर्स को देख के ही हम एकदम से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पिक्चर इसकॉल पिक्टोग्राफ और बहुत सारी फॉर्म से डेटा हैंडलिंग की पिक्टोग्राफ के बाद स्टूडेंट्स और कौन सी फॉर्म आती है पिक्टोग्राफ के बाद आप देखो ये बार ग्राफ जो है ना बॉस ये और डबल बार ग्राफ भी डेटा हैंडलिंग की फॉर्म है ठीक तो ये दो तो यही हो इस पर हम अभी बात पाई चार्ट किस किस को पता है पाई चार्ट क्या होता है पाई चार्ट को कहते हैं सर्कल ग्राफ क्या कहते हैं सर्कल ग्राफ पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी कह देते हैं जी हाँ सर्कल ग्राफ यहाँ पर रिलेशनशिप मिलती है हमें पार्ट की होल के साथ पार्ट की होल के साथ रिलेशनशिप हमें यहाँ पर मिल जाती है रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट एंड होल बात समझ में आई पार्ट एंड होल की हमें रिलेशनशिप यहाँ पर मिलती है और क्या स्टूडेंट्स पाई चार्ट और क्या होता है पिक्टोग्राफ पाई चार्ट और बहुत नेक्स्ट पाई चार्ट आपने स्टूडेंट्स बने हुए देखे होंगे पाई चार्ट्स इस तरह के बने हुए होते हैं अलग अलग कलर से सर्कल होता है इसके अंदर सेक्टर्स होते हैं सेक्टर्स अलग अलग कलर के होते हैं जैसे कि भाई ये देखिए ये सेक्टर अलग कलर का उसको कहते हैं चार्ट ये सेक्टर अलग कलर का राइट इसमें यही कलर होगा पूरे में इसमें यही कलर होगा पूरे में बात समझ में आ रही है जी हाँ स्टूडेंट्स और देखेगा ये हुआ और देखिए ये वाला सेक्टर अलग कलर का है हर सेक्टर अलग अलग कलर का होगा इसके अंदर राइट ये वाला सेक्टर अलग कलर का है सेक्टर जी हाँ ये सेक्टर जो है ये पार्ट्स है और पूरा सर्कल जो है वो होल है फ्रैक्शन की दिशा राइट right? ये अलग कलर का होगा ये वाला और राइट right. ये अलग कलर का होगा तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग कलर्स जो है अलग अलग कैटेगरी का डेटा है बात समझ में आई तो डेटा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी हाँ चार्ट की फॉर्म में भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि भाई हंड्रेड रुपीज़ हैं आपके पास शॉपिंग की आपने हंड्रेड रुपीज़ की और हंड्रेड रुपीज़ की आपने मल्टीपल चीज़ें खरीदी मतलब हंड्रेड रुपीज़ में आपने कुछ रुपीज़ की इरेजर ली कुछ रुपीज़ की पेंसिल ली कुछ का आपने नोटबुक ली तो भाई पाई चार्ट के थ्रू आप स्टोर पाई चार्ट के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सारा डेटा वो सारा डेटा आप पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे सर कैसे कर सकते हो स्टूडेंट्स देख लो ध्यान से देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सपोज दैट हंड्रेड रुपीज आपके पास है हंड्रेड रुपीज में से आपने ट्वेंटी फाइव रुपीज की ली भाई आपने पेंसिल तो ट्वेंटी फाइव रुपीज की आपने पेंसिल्स ली तो ये आ जाएगा पी ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की पेंसिल्स मतलब इतने सौ में से इतने इतने पैसों की आपने पेंसिल ले ली करेक्ट और आपने भाई सिक्सटी सिक्सटी फाइव रुपीज़ की लगभग ली है आपने नोटबुक्स राइट right? ये लिया आपने नोटबुक तो ये इतना पैसा आपका नोटबुक में खर्च हो गया ये येल्लो ये से जो रिपोर्ट नोट हो रहा है करेक्ट और कुछ पैसे ट्वेंटी परसेंट का भाई आपने लिया ट्वेंटी परसेंट का आपने ले लिया थर्टी परसेंट का आपने ली ये टॉइज आपने ले लिए ठीक इस तरह से थर्टी परसेंट यह आ गया भाई यहाँ पर ट्वाइस बात समझ में आ रही है तो देख कर समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा पोर्शन रेड वाला है सबसे ज्यादा पोर्शन रेड येलो वाला है सबसे ज्यादा पोर्शन येलो वाला है मतलब नोटबुक पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए इंफॉर्मेशन को देखते ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्म्स जी हाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ता देखते ही समझ में आ, आएगा और स्टूडेंट्स डेटा हर जगह हम डेटा से घिरे हुए हैं आप क्रिकेट मैच देखते हैं क्रिकेट मैच जब आप देखते हैं अपने टीवी पर तो भाई क्या दिखता है सपोज दैट विराट कोहली खेलने आया तो विराट कोहली का डेटा आपके सामने विराट कोहली के मोस्ट रन कितने हैं कितनी सेंचुरीज हो गई हैं ओडीआईज में कितने रन है वनडे में कितने रन हैं ऑल राइट टेस्ट में कितने रन हैं टी ट्वेंटी में कितने रन्स हैं रिकॉर्ड क्या है सब क्या है डेटा है और आपने देखा भी होगा स्टूडेंट्स जब आ, आ, खेलते खेलते कुछ टाइम आ जाता है तो भाईचार बना हुआ आता है कि भाई इतने सिक्सिस हैं इतने भाग के लिए भाई इतने छः रन हैं इतने रन्स आ, इतने रन्स ये रन ये वो वाले हैं भाई ये भाग ये सिंगल्स लिए हैं भाई ये वाले रन सिंगल्स हैं ये सिक्स हैं ये फोर हैं ये वाइड बॉल्स हैं इस तरह का डेटा रनस के फॉर्म में आ जाएगा डेटा कितने से भाई सपोज दैट सेवेंटी फाइव रन बनाए और सबसे ज़्यादा रन सिक्स से आए करेक्ट मतलब ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ डेटा समझ में आया ना और भी हो सकता है भाई कितनी बॉल्स कितनी बॉल्स पर सिक्स हैं कितनी बॉल्स पर फोर हैं कितनी बॉल पर स्टूडेंट्स सिंगल्स हैं ठीक देखते ही समझ में आ जाएगा और आपने देखा होगा बहुत तर बहुत ज्यादा हम देखते हैं एक टीवी पर शो आता है भाई शार्क टैंक कौन कौन देखता है शार्क टैंक मुझे कमेंट करके बताना इंटरप्रीन्योर्स का वो शो है शार्क टैंक इन्वेस्टमेंट वाला वहाँ पर जब कोई इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट लेने आता है पिक्चर आता है पिच करता है तो जैसे जैसे वो सेल्स बताता है वैसे वैसे वो सेल्स डिस्प्ले पर आती है पिक्टोग्राफ की फॉर्म में कभी पाईचार्ट की फॉर्म में कभी बार्स की फॉर्म में बात समझ में ये सब क्या है डेटा है ये सब डेटा है बॉस डेटा ये डेटा हैंडलिंग जो है डेटा को पढ़ना आसान कर देती है डेटा को एक्स इंफॉर्मेशन डेटा से एक्सट्रैक्ट करना आसान कर देती है देखते ही समझ में आ जाता है हमें कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है कि क्या कहना चाह रहा है बात समझ में आ रही है तो ये डेटा हैंडलिंग क्लियर है बिल्कुल इस तरह से डेटा को हैंडल कर रहे हैं और क्या होता है भाई पाई चार्ट के अलावा ये बार ग्राफ बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्या है क्योंकि ये तो मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना है ये तो आपके सिलेबस में है ये तो मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना है बार ग्राफ होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। यहां पर बार्स होते हैं बार ग्राफ में बार्स होते हैं। जी हाँ। रेक्टेंगुलर बार होते हैं रेक्टेंगुलर बार की हाइट जी हाँ रेक्टेंगुलर बार की जो हाइट होगी मतलब आ, इस तरह से बार्स बनेंगे लाइक दिस ये जो रेक्टेंगुलर बार की हाइट है ये जो रेक्टेंगुलर बार की हाइट है प्यारे बच्चों ये हाइट हमें डेटा देती है ये हाइट हमें देती है डेटा जी हाँ ये मतलब इसको लेंथ कह दो लेकिन ये ऐसे है तो, उसको हाइट कह रहे हैं हम ये हाइट हमें डेटा बताती है कि क्या भाई कौन सी चीज़ कितनी है एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझा देता हूँ ये ऊपर वाला रब कर रहा हूँ भाई मैं एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ सपोज दैट हमारे पास ये एक डेटा है ये ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस यहाँ लिखा है भाई मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे और यहां पर है भाई आपकी यहां पर है आपका सेल सेल ये सेल है भाई टू थाउजेंड फोर थाउजेंड सिक्स थाउजेंड एट थाउजेंड मंडे भाई बार आया फोर तक ट्यूसडे का बार आया सिक्स तक वेडनेसडे का बार आया फाइव तक और थर्सडे का बार आया और फ्राइडे का बार आया एट तक मतलब हाइट कहाँ पर एसोशिएट हो रही है देखिए डिटेल में समझाऊंगा बाद में हाइट मंडे की हाइट फोर पर जा रही है तो मतलब मंडे में फोर थाउजेंड जी हाँ ये थाउजेंड में है डेटा मंडे में फोर थाउजेंड की सेल हुई ट्यूसडे में सिक्स थाउजेंड की सेल हुई वेनसडे में फाइव थाउजेंड की सेल हुई थर्सडे uh, में टू थाउजेंड की सेल हुई फ्राइडे में सबसे ज़्यादा सेल हुई एट थाउजेंड की तो डेटा को देख के आपको समझ में आ गया कि भाई सबसे ज्यादा सब से सेल फ्राइडे में हुई सबसे ज्यादा सेल मतलब फ्राइडे में हुई क्योंकि फ्राइडे वाले बार की हाइट सबसे ज्यादा तो है फ्राइडे वाले बार की हाइट सबसे ज्यादा है तो यहां पर समझ में आया फ्राइडे में सबसे ज्यादा सेल हुई सबसे ज्यादा हाइट फ्राइडे सबसे ज्यादा हाइट फ्राइडे वाले बार की है सबसे कम सेल कब हुई सबसे कम सेल हुई सर थर्सडे में सबसे कम सेल हुई थर्सडे में ओनली 2000 सबसे कम सेल हुई थर्सडे में यह है भाई बार अब बार ग्राफ समझ में आया बार ग्राफ में स्टूडेंट्स जो ये वेथ होती है बार ग्राफ में जो ये वेट होती है ना प्यारे बच्चों ये ये बिल्कुल सेम होती है ये बिल्कुल सेम होती है और बार बारग्राफ में बीच में गैप होता है बार ग्राफ में बीच में गैप होता है बार ग्राफ में बीच में गैप होता है बार ग्राफ समझ में आया अब डबल बार ग्राफ तो आपके आ ही जाएगा एक मिनट होल्ड करिए बार ग्राफ के साथ साथ एक चीज़ और समझा देता हूं जल्दी से वो भी आप क्लास एट्थ में ही पढ़ेंगे हिस्टोग्राम इंस्टाग्राम नहीं है ये हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम भी ऐसा ही होता है लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर यहाँ पर गैप नहीं होता हिस्टोग्राम का बार ऐसे बनता है हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता इस तरह से बार बार बनेंगे हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता बात समझ में आ रही हिस्टोग्राम क्लास एट में ही पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ में नहीं है बात समझ में आ रही गैप नहीं होता है। बाकी इसकी तरह ही होता है एक बात मैं आपको और बता दूं यह है भाई हमारा यहां पर बार्स कैसे हैं यहां पर बार्स हैं हमारे वर्टिकल ऐसा नहीं है वर्टिकल बार्स ही बन सकते हैं हॉरिजॉन्टल बार्स भी बन सकते हैं लाइक दिस हॉरिजॉन्टल बार्स भी बन सकते हैं जी हाँ स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल बार्स भी बन सकते हैं लेकिन गैप रहेगा क्योंकि बार्स है ठीक है ये बार ग्राफ अब बार ग्राफ समझ में आ गया अब बात करते हैं डबल बार ग्राफ की अगर आपके बार ग्राफ समझ में आ गया स्टूडेंट्स तो आपको डबल बार ग्राफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा डबल बार ग्राफ भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है भाई डबल बार ग्राफ चलिए मैं आपको समझाता हूँ डबल बार ग्राफ कुछ इस तरह से होते हैं थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ भाई थोड़ा थोड़ा मुझे आपको बताना है बस क्योंकि मेन तो मैं आपको जब ही बताऊंगा जब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा मेन आपको जब ही बताया जाएगा ठीक है ना बॉस मेन आपको जब ही बताया जाएगा अब ध्यान से देखिएगा अगर बार्स कुछ इस तरह से हैं कैसे राइट right. ये देखिए दो बार्स अलग अलग कलर के बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं अलग अलग कलर के दो बार बिल्कुल एकदम मिले हुए हैं तो ये है डबल बार ग्राफ बिल्कुल ऐसे होगा बात समझ में आ रही है बिल्कुल ऐसे होगा अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात क्यों काम होता क्यों आते हैं काम किस काम आते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं सारी बात समझ में आ जाएगी ये देखिए इस तरह के बनेंगे भाई बार्स बात समझ में आई ऐसे बनते हैं बॉस बार्स राइट क्यों काम आते हैं क्या किसी को पता है क्या कोई मुझे बताएगा क्यों काम आते हैं ये बार्स डबल बार ग्राफ आते हैं स्टूडेंट्स डेटा को कंपेयर करने के काम जी हाँ डेटा को कंपेयर करने के काम आते हैं ये ये आपकी एक्स एक्सिस ये आपकी वाई एक्सेस ये काम आते हैं डेटा को कंपेयर करने में यहाँ पर स्टूडेंट्स बताना पड़ेगा यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि रेड येल्लो बार किस काम येल्लो बार क्या डिनोट कर रहा है यहाँ बताना पड़ेगा येल्लो बार क्या डिनोट कर, कर रहा है और ग्रीन बार क्या डिनोट कर रहा है ये बात आपको बतानी पड़ेगी येल्लो बार क्या डिनोट कर रहा है और ग्रीन बार क्या डिनोट कर रहा है ये बात आपको बतानी पड़ेगी स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल ऑल राइट येल्लो बार क्या डिनोट कर रहा है और ग्रीन बार क्या डिनोट कर रहा है ये आप बताएंगे येल्लो बार डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले, ले लेते हैं येल्लो बार डिनोट कर रहा है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और ग्रीन बार डिनोट कर रहा है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू करेक्ट राइट यहां पर है स्टूडेंट्स Uh, 2023-2022 करेक्ट यहां पर है भाई आपका जनवरी ये आपका फेबर मार्च राइट यहां पर है भाई आपकी सेल यहां पर है आपकी सेल किस चीज की सेल बाइक्स की नंबर ऑफ बाइक्स नंबर ऑफ बाइक्स कुछ भी डेटा हो सकता है कुछ भी डेटा हो सकता है यहां पर टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड टू ना हो गए बाइक्स और कार हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है वाला एग्जाम्पल समझिए है भाई आपकी लैक्स में ये है लैक्स में यह सेल जो है ये लैक्स में है नंबर ऑफ बाइक्स लैक्स में है वन नंबर ऑफ बाइक्स लैक्स में है वन लैख टू लैख थ्री लैख फोर लैख फाइव लैख सिक्स लैख अब देखिए यह बताइए जनवरी में 2023 की जनवरी में या 2022 हजार की जनवरी में बाइक्स सबसे ज्यादा कब बिकी 2023 जनवरी में बाइक ज्यादा बिकी या 2022 जनवरी में बाइक ज्यादा बिकी अब बारग्राफ तो आपको रीड करना आता है यू नो वेरी वेल हाउ टू एक्ट्रेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बारोग्राफ अब करना है कंपेयर भाई येलो का बार ज्यादा है मतलब 2023 में बाइक्स ज्यादा बिकी जनवरी में जनवरी 2023 में बाइक ज्यादा बिकी और जनवरी 2022 में बाइक्स कम बिकी यहां पर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ध्यान से एक गड़बड़ हो गई बॉस ये येलो वाला इधर कर दिया मैंने और ग्रीन वाला इधर कर दिया तो ग्रीन वाले को उठा के इधर करो अब देखिएगा जी हाँ फैब में भी भाई 2023 में अच्छी सेल रही लेकिन मार्च वाले मंथ में 2023 में सेल कम हो गई 2022 में सेल ज़्यादा गई बात समझ में आई इस तरह से बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं बहुत आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं डेटा को क्लियर डबल बार ग्राफ के थ्रू यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि सैंपल सेम होना चाहिए डेटा का टाइप सेम होना चाहिए ठीक आपको समझ में आएगा आपको समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो भाई डबल बार ग्राफ बार ग्राफ समझ में आपके आ गया आपको हिस्टोग्राम समझ में आ गया राइट ये है कुछ फॉर्म्स जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो डाटा क्या होता है डाटा क्या होता है डेटा हैंडलिंग क्या होता है डेटा हैंडलिंग है? की फॉर्म्स क्या होती है ये सब बातें आपको समझ में आ गई हैं अब हम बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट आप इनको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिएगा अगर नहीं भी करना चाहते कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में सब चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो जानी है ठीक है ठीक है भाई अब बात करते हैं रेंज की स्टूडेंट्स ये मैं आप कर रहा हूँ रेंज ऑफ डेटा अब रेंज ऑफ डेटा रेंज कैसे निकलेगी मैं रेंज देखो मैं आपको बताऊँ रेंज क्या है सुनो मेरी बात रेंज क्या होती है जैसे कि कोई डेटा है कोई मार्क्स हैं सपोज डेट क्लास में टेन स्टूडेंट्स हैं टेन स्टूडेंट के मार्क्स आपके सामने हैं आउट ऑफ फिफ्टी तो किसी के मार्क्स ट्वेंटी फाइव हैं किसी के मार्क्स फोर्टी हैं किसी के मार्क्स थर्टी फाइव हैं किसी के मार्क्स फाइव हैं वन टू थ्री फोर किसी के मार्क्स टेन हैं किसी के मार्क्स ट्वेल्व हैं किसी के मार्क्स थ्री हैं किसी के मार्क्स भाई फोटी नाइन भी है और एक बच्चा टॉपर भी है भाई फिफ्टी मार्क्स हैं और फोर्टी थ्री भी है फोर्टी फोर भी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन ही बच्चे हैं बस बात समझ में आई अब आपसे कहा जाए रेंज बताइए क्या कहा गया है आपसे रेंज बताइए तो रेंज क्या होती है देखिए रेंज से आप रिलेट भी कर पाओगे रेंज नॉर्मल लाइफ में रियल लाइफ में डेली यूज में वर्ड आता है रेंज रेंज होता है भाई हाइएस्ट हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब हाइएस्ट वैल्यू हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू इसको ऑब्जर्वेशन को आप वैल्यू भी, भी कह सकते हो टर्म भी कह सकते हो हाइएस्ट हाइएस्ट क्या है हाइएस्ट है फिफ्टी लोवेस्ट है कितना थ्री तो रेंज है फोर्टी सेवन बात समझ में आई रेंज है फोर्टी सेवन यहाँ से लेके यहां तक मतलब अगर आप डेली लाइफ में देखो तो रेंज क्या है थ्री से लेके कर फिफ्टी रेंज क्या होती है थ्री से लेके कर फिफ्टी है कितनी फोर्टी सेवन सपोज दैट आप अपने मदर के साथ या फादर के साथ मार्केट में गए कपड़े खरीदने आपको राइट आपको कपड़े खरीदने तो आपसे आपने सुना होगा ज़रूर कभी कभी शॉपकीपर कहता है किस रेंज में दिखाऊं भाई आपको कपड़े किस रेंज में दिखाऊं आप कहोगे सर 700 800 सौ वाले दिखा दो मतलब 700 800 के आसपास रेंज 700 सौ लेकर आठ सौ लेकिन वो रेंज इस रेंज थोड़ी तो अलग है रिलेट आप कर पा रहे होगा रेंज 700, 700 सौ ले सात से लेके 800 ये बात तो ठीक है लेकिन रेंज निकल क्या 100 निकल के आई हंड्रेड निकल के आई वो रेंज अलग चीज़ हो गई बात समझ में आ गई है तो रेंज क्या है बॉस हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन

रॉ डेटा एक होता है ऑर्गेनाइज डेटा एक होता है रॉ डेटा एक होता है ऑर्गेनाइज डेटा रॉ डेटा का मतलब रॉ डेटा कौन सा होता है बॉस कच्चा डेटा मतलब जो हम डेटा हमें मिलता है जो हमें डेटा मिलता है सपोज दैट सपोज दैट स्टूडेंट्स आप कहीं पीटीएम में गए पीटीएम में गए स्टूडेंट्स पीटीएम में आप कभी गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ आपको जब बंडल मिलता है पीटीएम में नोटबुक चेक करने के लिए तो वो कैसे मिलता है आपको एक ऑर्डर में मिलता है कैसे इंग्लिश की हिंदी की मैथ्स की सारी नोटबुक वन बाय वन लगी हुई होती हैं तो वो क्या है ऑर्गेनाइज डेटा डेटा को ऑर्गेनाइज करके दिया है ऑर्गेनाइज का मतलब वेल सेट वेल सेट डेटा को वेल well सेट करके दिया है ऑर्गेनाइज्ड अब ऑर्गेनाइज्ड डेटा कैसे हो सकता है टेबल्स में हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हो टेबल में लगा सकते हो टेबुलट करके उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज डेटा और रॉ डेटा रॉ डेटा जब आप नोटबुक चेक करने के बाद वापस देते हो तो आप रॉ डेटा कर देते हो कोई कहीं कोई कहीं ठीक सपोज दैट मैं क्लास टीचर हूँ और स्कूल में पी टी पी है तो मेरा क्या ड्यूटी है एग्जाम से पहले पहले मुझे डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा मुझे डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा हर बच्चे की हर बच्चे के बंडल्स मुझे अलग करने पड़ेंगे रोल नंबर वन के बंडल्स अलग रोल नंबर टू के बंडल्स अलग रोल नंबर थ्री के बंडल्स अलग मुझे वन से लेके थर्टी स्टूडेंट्स अगर मेरी क्लास में हैं तीस के तीस बच्चों के डेटा का ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा सो कहते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन डेटा को आपने ऑर्गेनाइज किया ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंज ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंज बात समझ में आई जी हाँ सपोज़ दैट अभी हमने रेंज फाइंड की अभी हमने रेंज फाइंड की और बच बच्च, कितने बच्चों की रेंज कितने बच्चे थे भाई रेंज में दस बच्चे थे राइट right? तो हमने बहुत ईजीली देख लिया कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा माइनस कम लेकिन अगर पूरे स्कूल की रेंज में पूछूँ पूरे स्कूल में सपोज टू थाउजेंड बच्चे हैं टू थाउजेंड बच्चे हैं तो टू थाउजेंड तो बच्चों की रेंज कैसे फाइंड करेंगे कैसे देखेंगे आप तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे तब जाके आप ईजिली एक्सटेक्ट कर पाओगे सबसे कम सबसे कम मार्क्स किसके हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स कि, किसके हैं ज़्यादा माइनस कम मिल जाएगा आपको रेंज रेंज समझ में आई रेंज समझ में आई ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया डेटा ऑर्गेनाइजेशन डेटा को अरेंज करना डेटा को अरेंज कैसे करेंगे आप ये आप पर डिपेंड करता है डेटा को अरेंज करना हर डेटा डेटा के टाइप पर डिपेंड करेगा डेटा की रेंज क्या होगी इसको आप समझ में आया है? तो आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए डेटा का कोई और एग्जाम्पल मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए डेटा का एग्जाम्पल ठीक है भाई अब बढ़ते हैं आगे हमारा आ गया है, की जान, आन, मान, शान, की जान, जो है मीन मीडियन एंड मोड एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट्स मीन क्या होता है मीन क्या होता है स्टूडेंट्स मीन हो सकता तो 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 है मीन नाम से आप ना जानते हो लेकिन आपने जरूर पढ़ा होगा एवरेज आपने सुना होगा एवरेज एवरेज होता है मीन चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं राइट सपोज दैट डे वन डे वन में मंडे ट्यूजडे वेनसडे मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे भी ले लीजिए मंडे डे वन ट्यूजडे डे टू वनस्डे डे थ्री थर्सडे डे फोर मंडे में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा मंडे में आपने पढ़ा थ्री आवर्स ट्यूजडे में आपने पढ़ा टू आवर्स वनस्डे में आपने पढ़ा फाइव आवर्स और थर्सडे में आपने पढ़ा ज़ीरो आवर्स मतलब थर्सडे में आपने पढ़ा ही नहीं या फिर आप कह दो थर्सडे में आपने पढ़ा वन आवर अब आपसे कोई पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि बेटा कितने घंटे पढ़ते हो क्या कहोगे आप ये कहोगे मंडे में तो सर मैं तीन घंटे पढ़ता हूँ ट्यूज़डे में मैं दो घंटे पढ़ता हूँ और वेनसडे में पाँच घंटे पढ़ता हूँ थर्सडे में मैं च... एक घंटा पढ़ता हूँ ऐसे कहोगे है? नहीं आप बताओगे क्या बताओगे आप आप एक एवरेज नंबर बताओगे राइट सपोज दैट एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता आपने तीन घंटे पढ़ा या दो घंटे पढ़ा या पाँच घंटे पढ़ा वहाँ एक घंटे पढ़ा आप कहोगे लगभग लगभग मैं ढाई तीन घंटे रोज़ पढ़ता हूँ ढाई तीन घंटे में रोज पढ़ता हूँ ये तो कहोगे आपसे किसी ने पूछा सब बेटा कितने घंटे पढ़ते हो रोज कि दाए दाए तीन घंटे पढ़ता हूं। कैसे एवरेज निकालना पड़ेगा भाई कैसे पता लगेगा एवरेज एवरेज निकालना पड़ेगा आपको मंडे कितने देर पढ़े ट्यूसडे कितने देर पढ़े पड़े कितनी देर पढ़े थर्सडे में कितनी देर पढ़े और डिवाइड बाई वन टू थ्री फोर डिवाइड बाई फोर तीन चार पाँच छ छ पाँच छ और पांच ग्यारह ग्यारह अपार कितना हो गया भाई फोर टू जा एट पॉइंट थ्री और जीरो थर्टी फोर सेवन ज्वेंटी टौन्त एट और ये फाइव एवरेज निकल के आया 2.75 पॉइंट सेवन फाइव फार्स आपने क्या करा ढाई तीन घंटे ढाई तीन घंटे के बीच में पढ़ता हूँ तो वही आया देखो 2.75 पॉइंट सेवन फाइव इज लाई बिटवीन टू पॉइंट फाइव एंड थ्री बात समझ में आ रही है तो ये क्या हो रहा है ये एवरेज निकल रहा है ये क्या हो रहा है बॉस ये निकल रहा है एवरेज ये निकल रहा है एवरेज एवरेज का फॉर्मूला एवरेज का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है स्टूडेंट्स एवरेज का मतलब होता है मीन अर्थमेटिक मीन भी इसको कह देते हैं क्या कह देते हैं अर्थमेटिक मीन एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बात समझ में आ रही है आई होप यू आपको क्लियरली एकदम समझ में आ गया होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लियर है चलिए भाई अब देखते हैं क्या होता है बहुत अब देख लेते हैं एवरेज समझ में आ गया मतलब सारी ऑब्जर्वेशन का सम एक दो तीन चार इन सब का सम डिवाइड बाय चार एवरेज समझ में आया आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा माइलेज uh, के लिए जी हाँ कार का माइलेज बाइक का माइलेज एवरेज आपने जरूर सुना होगा स्टूडेंट्स कि भाई आपकी बाइक कितना एवरेज देती है सुना है ना कितना एवरेज देती है कोई मतलब ये एक करेक्ट फ्रेज नहीं है कितना एवरेज देती है लेकिन व्हाट इज द एवरेज वो जो पूरा वर्ड होता है वो होता है एवरेज पर लीटर एक लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है एक लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है तो भाई वो डिपेंड करेगा कैसे अगर आप पहाड़ी इलाके में चलाओगे कम चलेगी अगर आप ऐसे नीचे जाओगे स्लोप पे तो ज़्यादा चलेगी प्लेन चलाओगे सही चलेगी हाईवे पे अच्छी ज़्यादा चलेगी गलियों में कम चलेगी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है गेयर्स पर स्पीड पर रोड पर स्लोप पर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कार एक किलोमीटर में कितना चल रही है लेकिन हमें नहीं पता कौन से किलोमीटर में मतलब कौन से लीटर में कितने किलोमीटर चल रही है इसलिए एवरेज पूछ जाता है एवरेज एवरेज मतलब कि आप एक किलोमीटर रोड पे भी चलाओ एक किलोमीटर आप पहाड़ पे भी चलाओ एक किलोमीटर आप गलियों में भी चलाओ एक किलोमीटर आप स्मूथ पे भी चलाओ एक किलोमीटर आप हाईवे भी चलाओ एक किलोमीटर आप भाई उसको ट्रैफिक में चलाओ जाम में चलाओ जाम में खड़ी करो मतलब सब कुछ सारी कंडीशन को मान के फिर देखो एक किलोमीटर में कितनी चली मतलब दस किलोमीटर की जर्नी निकाली आपने डिवाइड बाई दस किया पहले किलोमीटर में आठ पहले लीटर में पचास किलोमीटर चली दूसरे लीटर में दस किलोमीटर चली तीसरे लीटर में आठ किलोमीटर चली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे मिलता है एवरेज तो भाई जो वर्ड यूज़ होता है डेली लाइफ में बाइक कितना एवरेज देती है उसको मतलब यही है बाइक कितना एवरेज देती है मतलब एवरेज लिया गया है एक आइडियल सिचुएशन का एवरेज दिया गया है सब सिचुएशंस को मिलाकर के आइडियली सिचुएशन दी गई है एवरेज बात समझ में ये होता है एवरेज एक एग्जांपल में आपको दू सपोज दैट एक point है A से B. A से B हम जा रहे हैं A से B हम जा रहे हैं हमारी बाइक है से बी हम जा रहे हैं तो ए से लेके बी तक जाने में ये हमने डिवाइड किया यहां पर जो हमारी स्पीड रही स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारी स्पीड रही वो रही थर्टी किलोमीटर पर आर से लेके इस पॉइंट तक यहां से लेके यहां तक जो स्पीड रही वो रही 50 किलोमीटर पर आर यहां से लेके यहां तक जो रही 60 किलोमीटर पर आर यहां पर बहुत जाम मिला यहां पर स्पीड रही हमारी 20 किलोमीटर पर आर बात समझ में आई तो यहां से लेके यहां तक हम कितनी स्पीड पे गए एवरेज स्पीड क्या होगी एवरेज स्पीड मतलब मीन मीन स्पीड एवरेज स्पीड मतलब मीन स्पीड थर्टी प्लस फिफ्टी थर्टी प्लस फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस ट्वेंटी थर्टी प्लस फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस ट्वेंटी कितना हो गया फिफ्टी और थर्टी एट्टी और टू हंड्रेड वन हंड्रेड सिक्सटी वन हंड्रेड सिक्सटी डिवाइड बाई एक दो तीन चार वन सिक्सटी डिवाइड बाई फोर फोर्टी किलोमीटर जी हाँ आपसे कोई पूछे कितनी स्पीड से आए हो तो आप ये कहोगे पहले तो मैं चला तीस किलोमीटर की स्पीड फिर मैं चला थोड़ी देर फिफ्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से फिर मैं चला थोड़ी देर सिक्सटी किलोमीटर पर आर की स्पीड से फिर मैं चला थोड़ी देर ट्वेंटी किलोमीटर पर आर की स्पीड से आप कहोगे मेरी एवरेज स्पीड थी भाई 40 किलोमीटर पर आर मैं 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया इसलिए भाई ये मीन निकालना इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मीन निकालना इंपॉर्टेंट होता है बात समझ में आई तो मीन का मतलब होता है क्या एवरेज मीन का मतलब होता है क्या एवरेज मीन का मतलब क्या होता है भाई एवरेज होता है चलिए भाई पढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट मीडियन देखते हैं नेक्स्ट बॉस देखते हैं भाई नेक्स्ट मीडियन मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू मिडल वैल्यू या फिर मिडल ऑब्जर्वेशन बस आप मिडल से याद रखो मीडियन मिडिल अब एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल देखिए भाई सपोज दैट आपको मैं दे रहा हूँ कुछ प्राइम नंबर्स कुछ प्राइम नंबर्स में लिख देता हूँ या फिर नेचुरल नंबर आप लिख लो होल नंबर आप लिख लो कोई भी डेटा हो प्राइम नंबर्स मैंने लिखे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई आपको पता है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं एक वो नंबर खुद और एक वन जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं एक वो नंबर खुद और एक वन उसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स टू थ्री फाइव सेवन वन टू थ्री फोर और और ले लीजिए इलेवन और ले लीजिए थर्टीन ये सब क्या है प्राइम नंबर्स कितने हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थर्टीन को हटाइए फाइव लीजिए ये फाइव प्राइम नंबर्स है स्टूडेंट्स आपसे कहा जाए इसका मीडियन बताइए मीडियन तो भाई अगर मैं इनको ऐसे कर दूँ टू कहीं थ्री कहीं फाइव कहीं सेवन कहीं इलेवन कहीं राइट ऐसे कर दूं और आपसे कहा जाए कि भाई ये कुछ नंबर्स आपके सामने हैं इनका मीडियन बताइए तो भाई मीडियन जो है ना मीडियन ऐसे नहीं निकलेगा मीडियन ऐसे नहीं निकलेगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा स्टेप वन क्या है डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को आप ऑर्गेनाइज करेंगे ऑर्गेनाइज करने के बाद आप देखेंगे मिडिल वैल्यू कौन सी है तो ऑर्गेनाइज किया किया हमने इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज। सेवन फाइव सेवन के अलावा इलेवन भी तो है बॉस इलेवन सेवन फाइव इलेवन सेवन फाइव थ्री और टू ये देखिए डेटा को ऑर्गेनाइज का मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज डेटा इफ यू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और इफ़ यू अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन द डेटा इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज डेटा बात समझ में आई अब देखो बीच में क्या है बीच वाली वैल्यू मिडिल वैल्यू कौन सी है ये रही मिडिल वैल्यू तो मीडियन क्या हो गया मीडियन हो गया फाइव फाइव हो गया मीडियन मिडिल वैल्यू वैन द डेटा इज ऑर्गेनाइज मिडिल वैल्यू वैन द डेटा इज ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड मीडियन मिडल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा इज कॉल्ड मीडियन ऑर्गेनाइज डेटा की मिडल वैल्यू को कहते हैं मीडियन बात समझ में आई सर वन टू थ्री फोर फाइव ये तो फाइव थी ऑर्ड नंबर का मीडियन बताना तो बड़ा आसान होता है ऑर्ड नंबर का मीडियन बताना तो बड़ा आसान होता है फाइव दो इधर छोड़ी दो इधर छोड़ी ये बीच वाला मीडियन अगर भाई सेवन होती तो सेवन होती तो चौथा वाला मीडियन कैसे चार के इधर तीन चार के इधर तीन तीन और तीन और एक बीच वाला सात मतलब अगर भाई नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है इफ इफ एन इज ऑड अगर एन ऑड है तो मीडियम निकालना बड़ा आसान है अगर एन ऑड है तो मीडियम निकालना बड़ा आसान है कैसे नंबर ऑफ टर्म्स प्लस टू एथ नंबर ऑफ टर्म प्लस वन टू एथ टर्म यह हो जाएगी भाई आपकी मीडियन एग्जाम्पल के लिए देखते हैं Uh, कुछ और uh, देख लेते हैं बॉस uh, देख लेते हैं इवन नंबर्स टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक और ले लो भाई फिफ्टीन uh, के बाद एक और ले लेते हैं कोई फिफ्टीन सेवेंटीन अरे यार ये क्या कर दिया आपने फिफ्टीन कहाँ से इवन है चलो फोर्टीन तक ले लो बस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आपसे पूछा जाए मीडियन बताइए तो आप कहेंगे मिडिल वैल्यू मिडिल वैल्यू नहीं पता गिन लो कितनी है ये एक दो तीन चार पाँच छः सात तो एन हो गया सेवन नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया एन एन है सेवन सेवन क्या है ऑड सेवन होता है ऑड ऑड का मी मीडियन देखो मीडियन कैसे निकलेगा मीडियन कितने आराम से निकल जाएगा मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया स्टूडेंट्स मीडियन का फॉर्मूला बताया सर आपने एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन एन है सेवन सेवन प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन सेवन प्लस वन ऑब्जर्वेशन सेवन प्लस मतलब एट सेवन प्लस वन मतलब एट एट अपॉइंट मतलब फोर फोर्थ ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइज डेटा की फोर्थ एक दो तीन चार ये आ गया भाई आपका मीडियन ऑर्गेनाइज डेटा की मिडिल वैल्यू ऑर्गेनाइज डेटा की मिडिल वैल्यू मिडिल वैल्यू निकालना बहुत आसान है अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड यू कैन इजीली फाइंड द मिडिल वैल्यू इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड यू कैन ईजली फाइंड द मिडिल वैल्यू लेकिन बॉस अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नहीं है अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑर्ड नहीं है इवन ऑर्ड नहीं होगी तो इवन होगी इवन होगी तो आप डेटा कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स इवन होगी तो आप डेटा कैसे निकालोगे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से सपोज दैट ये ऐसे है टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स एट टेन टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व एक दो तीन चार पाँच छोर्टीन एंड सिक्सटीन कितने हैं ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स हो गए स्टूडेंट्स एन एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एट एट क्या है एट है सर इवन अब इवन है तो भाई बीच की टर्म कौन सी होगी अगर आप भाई इसको बीच की टर्म माने तो देख लो इधर तीन है इधर चार है ये बीच की टर्म नहीं हो सकती इधर तीन आ रहे हैं इधर चार आ रहे हैं दिस इज नॉट अ मिडिल टर्म अगर आप स्टूडेंट्स मिडिल टर्म इसको माने तो भाई इधर तो एक दो तीन चार इधर सिर्फ तीन है तो ये भी आपकी ये भी स्टूडेंट्स आपकी क्या रह, क्या है बॉस इधर चार है इधर तीन है तो ये भी आपकी मिडिल टर्म नहीं होगी अब क्या करेंगे यहां फंस गए भाई अब क्या करेंगे आपको चाहिए कोई ऐसी टर्म आपको चाहिए कोई ऐसी टर्म जो बिल्कुल यहां पर आए इस जगह पर इधर विचार इधर विचार अब यहां पर तो कुछ है नहीं बीच में तो क्या करेंगे बॉस आप मिडिल टू टर्म्स मिडिल टू टर्म्स का एवरेज फाइंड करेंगे जी हाँ आप इन दोनों का एवरेज फाइंड करेंगे अगर नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स अगर नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन तो मीडियन क्या होता है अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन होगा एवरेज ऑफ एवरेज मतलब मीन एवरेज ऑफ एवरेज का मतलब मीन है एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स मिडिल टू टर्म्स का एवरेज एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स एवरेज ऑफ मिडल टू टर्म्स बीच की दो टर्म्स का एवरेज फाइंड करना है बात समझ में आई एवरेज ऑफ मिडल टू टर्म्स क्लियर है अब दो टर्म के एवरेज का फॉर्मूला बीच की दो टर्म कैसे निकालें भाई बीच की पहली टर्म निकलेगी आप एना पॉइंट टू करके एना पॉइंट टर्म एना पॉइंट टर्म एनाथ टर्म होगी पहली मिडिल टर्म एवरेज का मतलब दोनों का सम डिवाइड बाई टू दूसरी टर्म होगी भाई इसकी अगली वाली एना पॉइंट टू प्लस टू है तो उसकी अगली टर्म कौन सी होगी बीच बीच है तो उसकी अगली टर्म कौन सी होगी एक ऐड कर दो उसके अंदर तो एना पॉइंट टू में हमने वन ऐड किया टर्म बात समझ में आई ये हो गई भाई आपकी दूसरी वाली वीडियो क्लियर है दूसरी वाली टर्म डिवाइड कर दो भाई टू से एना पॉइंट टू एथ ट्रम प्लस एना पॉइंट टू प्लस अपॉन डिवाइड किया इसको सॉल्व करेंगे टू से डिवाइड क्यों किया क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं एवरेज टू से डिवाइड क्यों किया क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं एवरेज एवरेज का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो दो ऑब्जर्वेशन तो दो से डिवाइड होगा दो क्यों फॉर्मूला है मिडिल ऑफ एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स तो यहां पर दो टर्म कौन सी एट तो एट प्लस अगली टर्म इलेवन अपॉन टू एट प्लस इलेवन अपॉइंट टू एट प्लस इलेवन कौन सा होगा भाई इलेवन एट और इलेवन एट प्लस टेन नॉट इलेवन एट प्लस टेन अपॉइंट टू एटीन अपॉइंट टू ये आ गया भाई नाइन नाइन आ गया एवरेज यहाँ पर आ जाएगा नाइन नाइन आ गया भाई मतलब मीडियम बात समझ में आई नाइन हो गया आपका मीडियम आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है स्टूडेंट्स मीडियम बिल्कुल क्लियर है मीडियन समझ में आया तो भाई मीडियन का खेल है पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन कैसे निकलेगा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन कैसे निकलेगा इस बात का ध्यान रखना है तो भाई मीन समझ में आया मीडियन समझ में आया ये मीडियन जो इवन वाला है ना ये इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला आप नोट कर लो लोके okay, स्टूडेंट्स तो आपको एक ब्रीफ हो गया है रेंज क्या है मीन क्या है मीडियन क्या है मोड और देख लेते हैं बस मोड स्टूडेंट्स बहुत ईजी है मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट आउटकम जी हाँ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं मोस्ट फ्रीक्वेंट आउटकम सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ आती है उसको कहते हैं मोड सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला मोड कहलाएगा राइट right, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला मोड कहलाएगा कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रही है वो है मोड जैसे कि भाई कोई बैट्समैन है बैट्समैन ने रन बनाए फोर फोर फिर सिक्स फिर दो फिर सिंगल फिर फोर फिर सिक्स फिर एक फिर ज़ीरो फिर जीरो फिर ज़ीरो जीरो, फिर लगातार तीन आ, जीरो रन राइट डॉट बॉल्स फिर फोर फिर फोर फिर वन फिर टू फिर एक छक्का आया भाई फिर जीरो फिर जीरो फिर विकेट हो गया ठीक है तो स्टूडेंट्स मोड क्या है सबसे ज़्यादा बार क्या हुआ ज़ीरो एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार और फोर एक बार दो बार तीन बार चार चार बार पांच बार तो मोड होगा जीरो फोर चलो कॉम्प्लेक्स छोड़िए एक ला, एक बार फोर और आया राइट तो टीम का सबसे ज्यादा बार क्या है भाई वन टू थ्री फोर फाइव फोर आया है भाई फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स फोर आया है फाइव टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स आया है फोर तो मोड हो गया भाई फोर मोड हो गया भाई फोर बात समझ में आई मोड हो गया फोर आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल मोड हो गया फोर आ गया समझ में बहुत बढ़िया करके आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स ठीक है मोड हो गया फोर और ये बारग्राफ डबल बारग्राफ तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ तो बस ये हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे पूरे चैप्टर में आई होप चैप्टर ओवरव्यू समझ में आ गया है स्टूडेंट्स क्लियर है बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा ये थी हमारी भाई वीडियो वन और बाकी सब वीडियो इस पर आएंगी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो होगी राइट ये बोर्ड इज डेटा हैंडलिंग रेंज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो होगी और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो होगी राइट एक्सरसाइज होगी अलग ठीक है भाई तो क्लियर है स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू से गुड बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे डेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा डेटा हैंडलिंग डेटा क्या होता है डेटा हैंडलिंग क्या है फॉर्म्स क्या है और और इन सब के साथ साथ आपको बताया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या होता है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड डेटा किसे कहते हैं एंड रेंज क्या होता है बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके स्टूडेंट्स बट जाना नहीं है भाई अभी मेरी बात सुन के जाइए मैगनेट रेंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है मैगनेट रेंस प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको किन्डर से लेकर ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्स सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्ट वीडियो एन सी ई आर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स सी सी बोर्ड हिंदी मीडियम सबी एस बोर्ड इंग्लिश मीडियम यू पी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट पर हमारी ऐप पर हमारे यूट्यूब के चैनल पर जी स्टूडेंट्स सी सी एस ई इंग्लिश बोर्ड सी बी एस ई हिंदी बोर्ड यू पी बोर्ड बिहार बोर्ड एम पी बोर्ड सब हम कवर कर रहे हैं लेकिन जो हिंदी मीडियम बोर्ड है ये जो हिंदी मीडियम वाली वीडियोज़ हैं ये मिलेंगे आपको हमारे दूसरे चैनल पर मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम चैनल का है नाम मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के चैनल पर आपको मिलेगा हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा बॉस चाहे हिंदी मीडियम की वीडियोस हो चाहे इंग्लिश मीडियम की वीडियोस हो ऑलराइट right ये सब कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलेगा सब प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट www.magnetbrains.com वेबसाइट है लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए पहुंच जाइए वेबसाइट पर ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स और स्टूडेंट्स ये सब तो आपको वहाँ मिलना ही है साथ में आपको ये सब कुछ कोर्स मिलेंगे देखिए आप ऐप पर भी सब कुछ मिलेगा ऐप पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और ये सब कोर्सेस सेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ऐप पर प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे सपोज दैट आपको मेरा कोई चैप्टर पढ़ना है मतलब जो मुझसे कोई चैप्टर पढ़ना है मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है तो जाइए प्लेलिस्ट खोलिएगा और यहाँ पर आप ढूंढ लीजिएगा भाई मेरी प्लेलिस्ट वहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको कौन सी क्लास का आपको कौन सी क्लास की कौन सी प्ले में जाना है पहले देखिए फिर कौन सा चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर में भी आपको क्या पढ़ना है एम आई क्यूज़ एम से यूज़ वन शॉट रिविजन या फिर कॉन्सेप्ट एन सी ई आर टी एक्सरसाइज जो भी आपको देखना है डेडिकेटेड वीडियोज आप देख सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो आई होप आपने किया होगा और जल्दी से भाई हमें फॉलो करिए इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर काम की रील्स काम की शॉर्ट्स आपके लिए बनाते हैं हम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे भाई ठीक है स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू से गुड बाय थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस आई एम सालिक योर मेट्स एजुकेटर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट बा बाय बी हैप्पी कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग कीप एक्सप्लोरिंग बा बाय स्टूडेंट्स